हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जो कि मैंने आपको पैडागोजी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करी थी आपके आने वाले रिट, एमपीटेट और पीएसटेट या केवीएस के एग्जाम में, जिसमें कॉमन टॉपिक जोन जोन से हो सकते थे, वो मैं आपकी स्पेशल क्लास में करवा रहा था। ओके, तो जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक करवा दिया था, जो कि आपका माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में था। उसमें मैंने आपको बोला था कि एक अभी अभी यूपीटेट का एग्जाम हुआ है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी में मैंने आपको बताया था कि 14 प्रकार के शिक्षण कौशल एलन के द्वारा बताए गए थे और 7 प्रकार के शिक्षण कौशल आपके एनसीईआरटी के द्वारा बताए गए थे। मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम शिक्षण कौशल के बारे में बात करेंगे, और जो आपका अभी यूपीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपका आज का हमारा जो कौशल है, आपका विभिन्न शिक्षण कौशल यानी कि हमारे जो टीचिंग स्किल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो अभी आपका यूपीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि ये सेकंड वाला देख रहे हो आप, प्रस्तावना कौशल, जिसको आप विन्यास कौशल भी कहते हो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था वो भी आपको पता है कि पुराने वाले जानकारी को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते थे, प्रस्तावना कौशल के नाम से जानते थे। ओके, तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विभिन्न शिक्षण कौशल में, ठीक है। तो चलिए आज पहला स्टार्ट करते हैं कि कक्षा प्रबंधन कौशल। तो कक्षा प्रबंधन कौशल यानी क्लास मैनेजमेंट जो आपकी होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए। देखो, कक्षा प्रबंधन कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है, आपका कक्षा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें आराम से खुलकर अपने बातों को आदान प्रदान कर सके और विचारों को एक दूसरे के साथ समझ सके। तो देखो इस कौशल में क्या बोल रखा है, इस कौशल के अंतर्गत अध्यापक अपनी और बच्चों के बीच बहुत अच्छे संबंध बनाता है और बच्चों के बीच भी मधुर संबंध बनाए जाते हैं। यहां पर कहने का तात्पर्य देखो, यहां पर इसका साफ है कि इस कौशल के अंदर यानी कि कक्षा प्रबंधन कौशल के अंदर जो अध्यापक होता है और जो बच्चे होते हैं दोनों के बीच में कैसे संबंध होते हैं, बहुत अच्छे संबंध होते हैं। ये नहीं कि बच्चे ने किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा तो टीचर ने उसको हड़का के बिठा दिया या धमका के बिठा दिया, नहीं, ऐसा किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं होती है। अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछा है तो उसके साथ में कैसे व्यवहार किया जाता है, एज ए फ्रेंडली व्यवहार किया जाता है, इको फ्रेंडली क्लासरूम सिस्टम्स होते हैं यहां पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कि बच्चों के बीच में यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में तो अच्छे संबंध होते ही, उसके साथ साथ में बच्चों के बीच में यानी कि एक दूसरे के बीच में भी अच्छे उनके रिश्ते यानी कि मधुर संबंध होते हैं, कि बच्चे एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ रहकर भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए क्या कहा जाता है कि अध्यापक के साथ साथ बच्चों के बीच में भी अच्छे संबंध होते हैं, और इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे कक्षा में प्रसन्न रहें, कक्षा से भावनात्मक रूप से जुड़ें और अपना अधिगम अपने ही इच्छा से स्वयं करें। यहाँ पर यानी कि साफ कह रखा है जो इसका मोटिव होता है क्या है कि कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो कैसे रहें, प्रसन्न रहे यानी कि खुलकर रहें, सारी चीज़ों का आदान प्रदान आराम से कर सके। भावनात्मक, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बोला भी था, बच्चे की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो आखिरी स्टेज होती है वो क्या होती है, इफेक्टिव यानी कि भावनात्मक रूप से। जब तक बच्चा इसमें इंटरेप्ट कर देता है, अपनी पूरी रुचि के अनुसार उसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ जाता है तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो इसलिए इसमें क्या बोला गया है कि भावनात्मक रूप से जुड़े और अपना अधिगम कैसे करें, अपनी इच्छा से स्वयं करें। ये नहीं कि बच्चे के ऊपर किसी चीज़ का बर्डन दिया जा रहा है या उस पर जोर जबरदस्ती की जा रही है किसी चीज़ को सीखने के लिए। इसमें सारी चीज़ें क्या होती है, बच्चे को एज ए इच्छा के अनुसार उसको सिखाई जाती है, उसकी आवश्यकता, रुचि, आरुचि और योग्यता को देखते हुए। ओके, तो ये था आपका कक्षा प्रबंधन कौशल। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना कौशल, या इसको विन्यास कौशल भी कहा जाता है। अगर एकदम सरल भाषा में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये आपकी क्या होती है, आपको नए ज्ञान को देने से पहले आपके पास कितनी पीछे वाला ज्ञान है यानी कि पूर्व ज्ञान आपके पास कितना है, उस चीज का आपको क्या करा जाता है, यहां पर चर्चा की जाती है, आपके बारे में जाना जाता है। अगर आपके पास पूर्व ज्ञान होता है तो नए ज्ञान को उसके साथ जोड़ कर दिया जाता है, अगर नहीं होता है तो आपको नए चैप्टर ना शुरू करने से पहले आपको पहले वाला ज्ञान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको डिवाइड समझाऊं या सिखाऊं तो डिवाइड सीखने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई आना चाहिए। अगर आपके पास ये तीन चीजों का ज्ञान ही नहीं है तो आप डिवाइड यानी कि भाग कैसे सीख सकते हो। ओके, तो अगर आपके पास पूर्व ज्ञान यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा,
जमा और घटा का आपके पास ज्ञान है तो मैं आपको भाग का ज्ञान सिखाऊंगा उसमें जोड़ते हुए, नहीं है तो पहले मैं आपको गुणा जमा और घटा सिखाऊंगा फिर आपको भाग सिखाऊंगा। उसी को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कौशल कहा जाता है। तो देखो इस कौशल की आवश्यकता नए पाठ को शुरू करने से पहले पड़ती है। कहा था मैंने आपको कि डिवाइड सिखा रहा हूं तो पहले आपको पूरा पहले ज्ञान देना होता है और उसके अनुसार ही सिखाना होता है। मतलब नया पाठ शुरू करने से, जैसे डिवाइड में नया सिखा रहा था तो नया पाठ शुरू करने से पहले होती है। इसके अंतर्गत अध्यापक तीन कार्य करता है। कौन कौन से तीन कार्य करता है? पहला, पूर्व ज्ञान की जांच। मतलब जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे कि नया चैप्टर सिखा रहा हूं तो नए चैप्टर से पहले मैं आपको देखूंगा कि पहले वाले चैप्टर आपके पास कितना ज्ञान है। डिवाइड सिखा रहा हूं तो आपके पास मैं देखूंगा कि आपके पास मल्टीप्लाई जमा और घटा का कितना ज्ञान है। ओके, तो पहले आपकी पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है। और इसके अलावा आपको एक जगह और मिल जाएगा कि पूर्व योग्यता का आकलन करता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि जिन प्रश्नों से आपका पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हीं को ही प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, और बच्चों के पास यदि पूर्व ज्ञान नहीं होता है ना तो उसे नया पाठ नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि पहले उसे पुराने वाला ज्ञान दिया जाता है और फिर नया पाठ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, यदि पूर्व ज्ञान हो तो नए पाठ के साथ उसको जोड़ना। मतलब यदि छात्र के पास आपने पूर्व ज्ञान की उसकी जांच करी, अगर उसके पास पूर्व ज्ञान है यानी कि उसके पास जमा घटा और गुणा का ज्ञान है, तो जब हम उसको भाग सिखा रहे हैं तो भाग के साथ हम क्या करेंगे, उस ज्ञान को जोड़ देंगे। मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर बच्चे को एज ए इंटरेप्ट करके सिखाएंगे कि बच्चा नए ज्ञान को भी सीख सके और पुराने ज्ञान को भी ना भूले। नेक्स्ट है, अध्यापक बच्चे को नया पाठ के प्रति क्या करेगा, अभिप्रेरित करेगा। तो क्यों क्यों अभिप्रेरित करेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर मोटिवेशन हो सके, बच्चा अभिप्रेरित हो सके कि आखिर है क्या और सीखने में क्या 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 उसकी फायदे होने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आपको बच्चे के अंदर क्या करना है, उसको लिए अभिप्रेरित करना है। और उसे अभिप्रेरित करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अध्यापक जो नया पाठ पढ़ाने वाला है ना उसके उद्देश्य बता सकते हो बच्चों को कि उससे आपको किस किस जानकारी प्राप्त होगी। ओके, तो ये तीन मेन कार्य होते हैं आपके प्रस्तावना कौशल या विन्यास कौशल के अंदर। नेक्स्ट है आपका उद्दीपन विभिन्नता कौशल। उद्दीपन विभिन्नता कौशल कहने का तात्पर्य आपका जो इम्यूलेशन होता है उसके अंदर जो आपका अध्यापक होता है जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो काफी प्रकार के उद्दीपन आपके प्रस्तुत करता है बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। जैसे एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय अपने द्वारा विविध प्रकार के उद्दीपन बच्चों के लिए प्रस्तुत करता है, जैसे कक्षाओं में राउंड लगाते रहना, आवाज में उतार चढ़ाव रखते हुए बोलना, आई कॉन्टैक्ट रखना या बीच बीच में चुप हो जाना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय ना काफी चीजों से साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे कक्षा में राउंड लगाते हुए पढ़ाता है वो कि बच्चा कौन कौन ध्यान दे रहा है कौन कौन ध्यान नहीं दे रहा है। और बीच बीच में देखा होगा मैंने आपको, कभी कभी मैं पढ़ाता हूं तो कोई कोई चीज मैं ना ज्यादा आपको बर्डन डाल के बताता हूं, मतलब आवाज में उतार चढ़ाव करके बताता हूं। क्यों? क्योंकि वही चीज ऐसी होती है जिसको हाईलाइट करना होता है, तो हाईलाइट करने के लिए क्या होता है उसमें आवाज में उतार चढ़ाव करना पड़ता है। नेक्स्ट है आई कॉन्टेक्ट, यानी कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे होगे बच्चों को तो बच्चों के साथ क्या करना होगा, आप आंखों से आंखें मिलाकर रखनी होगी कि किस प्रकार से कौन बच्चा ध्यान दे रहा है कौन बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। और बीच बीच में आप क्या कर सकते हो, चुप भी हो सकते हो कि देख सकते हो कि कौन कौन बच्चा ध्यान से ध्यान लगा रहा है और कौन कौन ध्यान नहीं लगा रहा है। तो इस प्रकार के उद्दीपन आपका अध्यापक आपकी क्लास में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है आपका पुनर्बलन कौशल यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो इसमें आप क्या करता है कि अध्यापक को बच्चों जब अच्छा कार्य करे या काम करे तो बच्चों को पुनर्बलन देना चाहिए। मतलब कोई बच्चे ने अच्छा काम करा या कोई ऐसा काम करा जिसके बीच में उसको पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट देना चाहिए तो उसको इस प्रकार का देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके लिए अध्यापक बच्चों को दो प्रकार से पुनर्बलन दे सकता है, जैसे कि सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। ये दोनों की दोनों क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपका कोई बच्चा है, उस बच्चे ने कोई अच्छा काम करा जिसके के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो सकारात्मक पुनर्बलन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो तीन प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? ओरल हो सकता है मतलब मौखिक, रिटर्न हो सकता है मतलब लिखित, और तीसरा हो सकता है आपका कि एज ए कोई आप इम्प्लीमेंट दे दो या भौतिक रूप से सुविधा दे दो, जैसे कि कोई प्राइज दे दिया, बुक दे दी, पेन दे दी, इस प्रकार का। ओरल रूप में आप कैसे बोल सकते हो कि शाबाश वेरी गुड ऐसे बोल सकते हो, रिटर्न रूप में भी आप इसको लिख सकते हो कि वेरी गुड गुड एक्सीलेंट, और भौतिक रूप में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि प्राइज बुक पेन कुछ भी दे दिया भौतिक रूप में बच्चे को, तो क्या हो गया आपका सकारात्मक पूर्ण बलन का कार्य करेगी।
नेक्स्ट है आपका नकारात्मक पूर्ण बलन। ध्यान रखिएगा, बच्चों को दंड देना, सजा देना ऐसे किसी प्रकार का यह पूर्ण बलन नहीं होता है। ओके, नकारात्मक पूर्ण बलन का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कोई चीज दुविधा उत्पन्न कर रही है, कोई चीज बीच में आ रही है आड़े, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को दूर कर सकते हो। कैसे दूर कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते समय उसकी कक्षा में या उसकी क्लास में या उसकी रूम में एक पंखा है, ये पंखा वो है ना घड़ 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 की आवाज़ कर रहा है, या फिर उसके घर में पंखा ही नहीं है, तो आपने क्या करा, उसके पंखे को निकलवा के उसके पंखे को ठीक करवा के दोबारा लगवा दिया, तो घड़ घड़ की आवाज़ कम होगी उसकी, मतलब बंद होगी और वो अब आराम से पढ़ सकता है। या फिर उसके कमरे में पंखा नहीं था जिसके कारण वो गर्मी के कारण पढ़ नहीं पा रहा था, तो आपने क्या करा, उसके कमरे में पंखा लगवा दिया, तो क्या हो गया, ये नकारात्मक पूर्ण बलन था जिसके कारण बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था। अब आपने इसको दूर कर दिया तो बच्चा वो पढ़ने में भी सही कर पा रहा है और उसकी प्रकृति भी काफी तेज से बढ़ रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने उसके नकारात्मक पूर्ण बलन को दूर करा है। ओके, तो इसी को क्या कहा जाता है, हमारा नकारात्मक पूर्ण बलन कहा जाता है। तो दो प्रकार के पूर्ण बलन होते हैं, कौन कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि बच्चे को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, इसको हिंदी में संचार कौशल भी कहा जाता है या वाक्य कौशल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये है क्या, देखो जो टीचर होता है उसकी भाषा इतनी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए कि सामने कितना भी कमज़ोर बच्चा हो तो उसकी भाषा को सुनकर आराम से सीख सके। अगर मैं आपको बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी बोलने लग जाऊं या ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लग जाऊं जो आप समझ ही ना पाओ, तो फ़ायदा क्या है पढ़ाने का। तो बच्चे का और टीचर का ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसको आराम से सीख सके। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि शिक्षक का यह सबसे बड़ा कौशल है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कौशल है, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें बच्चे के सामने सीखी सिखाई जाती है। अध्यापक को इस तरह से अपनी बात को समझानी चाहिए कि कमजोर बच्चा भी उसको समझ सके। ओके, तो अपनी बातों को या अपनी लैंग्वेज को या अपनी भाषा को इतना सरल स्पष्ट रखना है कि बच्चा कमजोर से भी कमजोर उस बात को समझ सके। नेक्स्ट है आपका श्यामपट कौशल, यानी कि ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर क्या है, देखो जैसे आपका संप्रेषण कौशल होता है वैसे आपकी श्यामपट कौशल होना चाहिए, मतलब आप ब्लैक बोर्ड पर इस तरीके से लिखिए, आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी उसको आराम से समझ सके और पढ़ सके। इसी को क्या कहा जाता है, श्यामपट कौशल। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि अध्यापक के श्यामपट कौशल में स्पष्ट होनी चाहिए और उसकी लिखाई पढ़ी जाने वाली होनी चाहिए, यानी कि ऐसी लैंग्वेज लिखो आप, इतनी सरल लैंग्वेज में लिखो। कई देखा होगा आपने, बिल्कुल जो डॉक्टर की राइटिंग देख लो, शायद ही कोई समझ पाता होगा जैसे केमिस्ट के अलावा। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही कुछ अलग तरीके से लिखी रहती है, इसलिए आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इस प्रकार से लिखी होनी चाहिए कि बच्चा भी आराम से उस चीज़ को पढ़ सके, समझ सके। नेक्स्ट है आपका TML, यानी कि टीचिंग मटेरियल लर्निंग। कई बार आपका ये पूछा जा चुका है कि जो TML का फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है आपकी टीचिंग मटेरियल लर्निंग। इसके अंदर कौन कौन सी कौन चीज़ें आती हैं, तो इसमें आपके तीन कौशल शामिल होते हैं। कौन कौन से तीन कौशल शामिल होते हैं, पहला होता है आपका उचित यानी कि सही आपका सहायक सामग्री का चयन करना, दूसरा है हो सके तो सहायक सामग्री का निर्माण स्वयं करना, और तीसरा है सही समय पर सही ढंग से प्रयोग करना। अब तीनों चीज़ को मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। पहला देखो कि बोल रखा है आपका उचित सहायक सामग्री का चयन करना, मतलब आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, तो क्लास में अगर आपने ज्योग्राफी क्लास ले रहे हो तो ज्योग्राफी क्लास में आपको क्या चाहिए, या तो मैप चाहिए या तो ग्लोब चाहिए, तो आपको बच्चों को समझाने के लिए उचित सहायक सामग्री का चयन करना है। ये नहीं कि आपने कोई चीज चाहिए होती है, आपको ग्लोब की जरूरत है तो ग्लोब की जगह आपने कुछ और ले लिया, या फिर आपको मैप की जरूरत है तो उसकी जगह आपने कुछ और ले लिया। नहीं, आपको जो चीज की जरूरत है उसी के अनुसार आप अपनी सहायक सामग्री का चयन करोगे, उसी को क्या कहा जाता है, उचित यानी कि सही सहायक सामग्री का चयन करना है आपको। नेक्स्ट है आपका हो सके तो सहायक सामग्री का निर्माण स्वयं करें, मतलब आप हो सके, क्या पता आपकी क्लास में या स्कूल में ऐसी चीज नहीं हो जिस चीज का आपको इस्तेमाल या जिस चीज को आपकी जरूरत हो। ओके, तो उसके अनुसार आप हो सके तो वहां पर जो वेस्टेज चीजें पड़ी होंगी उसी के साथ आप उसको मिला जुला कर एज ए सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब आपके पास कोई सहायक सामग्री नहीं है और आपके आसपास के वातावरण में आपके जो वेस्ट मटेरियल पड़ा था उसके अनुसार आपने कोई अनुसार आपने एक सहायक सामग्री का निर्माण करा है, तो उस सहायक सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी अध्यापक अपने आसपास के वातावरण में पड़ी व्यस्त सामग्री को, ध्यान रखिएगा, आसपास में पड़े व्यस्त सामग्री को स्वयं ही विकसित कर लेता है, तो इसे क्या कहा जाता है, अनुसंरचित सामग्री कहते हैं। ओके,
अगर आपके पास कोई सहायक सामग्री नहीं थी, आपने आसपास के वातावरण में जो व्यर्थ यानी कि जो वेस्ट चीज़ें पड़ी थी उसी के अनुसार आपने उठा के और उसको एज ए ऐसी चीज़ बना ली जो आपके काम आ सके, उसको क्या कहा जाता है? असुरक्षित सामग्री। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके आसपास के वातावरण में व्यर्थ सामग्री से बनाए गए सहायक सामग्री को क्या कहा जाता है, तो असुरक्षित सामग्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सही समय पर सही ढंग से प्रयोग करना, मतलब आपको उचित सामग्री भी आपने चयन कर ली, जो चाहिए था वो भी मिल गया, लेकिन आप सही समय पर सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। आपने पाठ पढ़ा है, अभी पढ़ा, बच्चों को समझा रहे हो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सही समय पर और सही ढंग से उस चीज का प्रयोग करना चाहिए, तभी वो सहायक सामग्री बच्चों के लिए उचित रूप से कार्य करेगी। ओके, 8वें में देखो क्या बोल रखा है, मौन एवं अशाब्दिक कौशल। मौन मतलब आप जब चुप होके या फिर अशाब्दिक अंतर क्रिया कौशल कहते हैं उसको कहा जाता है। मतलब जब भी आपकी क्लास में आपने देखा होगा, जब अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे होते हो और आपकी क्लास में कोई ना कोई एक शरारती बच्चा ऐसा होगा जो बीच में आपके पढ़ाने में विघ्न या फिर आपको परेशान कर रहा होगा, तो आप बिना किसी उसको डांट फटकार के, बिना बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करे हुए, उस बच्चे को कैसे शिक्षण कौशल में ला सकते हो, कैसे अपनी प्रक्रिया में ला सकते हो कि बच्चा वो भी आराम से सीख सके, तो उसी को क्या कहा जाता है? मौन एवं अशाब्दिक अंतर्क्रिया कौशल कहा जाता है उसको। ओके, तो इसमें होता क्या है, देखो जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जोरों पर हो, मतलब अच्छी तरीके से चल रही हो, और कोई बच्चा बाधा पहुंचा रहा हो, मतलब बीच में कोई बाधा डाल रहा हो या कोई शरारत कर रहा हो, उस प्रकार के बच्चे आपकी क्लास में आपने देखेंगे कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो उसे बिना कोई शब्द बोले चुपचाप अधिगम में लाया जाए। मतलब जब वो बच्चा आप एज ए क्लास में बाधा पहुंचा रहा हो, बाकी बच्चे पढ़ रहे हो लेकिन वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा हो, तो उसको कैसे चुपचाप अधिगम प्रक्रिया में लाना है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप ले आए तो उसी को कहा जाता है मौन एवं अशाब्दिक कौशल। तो बिना शब्द, यानी कि ध्यान रखिएगा, बिना कोई शब्द बोले चुपचाप उसे अधिगम प्रक्रिया में लाना होता है। अध्यापक या तो उसके पास जाकर खड़ा हो या फिर दूर से ही इशारा करे ताकि कक्षा की अधिगम प्रक्रिया भंग ना हो। तो कैसे कर सकते हो आप? या तो उसके पास जाकर खड़े होकर उसे इशारे में दे सकते हो या फिर दूर से ही उसको इशारा करके बोल सकते हो कि चुपचाप अधिगम में आ जाओ। ओके, तो वहां पर क्या करा आपने, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके भी चीजों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आपने भंग नहीं करा और उस बच्चे को भी क्या ले आए, आप अधिगम प्रक्रिया के अंदर ले आए। ओके, तो इसी को क्या कहा जाता है, मौन एवं अशाब्दिक अंतर्क्रिया कौशल कहा जाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट टू लास्ट सीटेट एग्जाम में। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका छात्रों के सहभागिता और अंतर्क्रिया कौशल। मतलब छात्र जब आपके पढ़ रहे होते हैं या फिर आप जब पढ़ा रहे होते हो छात्रों को, तो आप क्या चाहते हो कि छात्र आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करे। मतलब आपके सीखने सिखाने प्रक्रिया में आप जो चीज पूछ रहे हो, जो चीज समझा रहे हो, उस पर बच्चे प्रतिक्रिया करें, तो उसी को क्या कहा जाता है, सहभागिता या अंतर्क्रिया कौशल कहा जाता है। इसमें होता क्या है, तो देखो अध्यापक को चाहिए कि प्रत्येक बालक को अधिगम में सहभागी रखे। मतलब जो चीज आप पढ़ा रहे हो सिखा रहे हो, ये नहीं कि बच्चे बुत बनकर सुनते रहे, उसमें प्रतिक्रिया में अपनी अंतर्क्रिया भी दें, वो सारी चीजें सीख सिखा रहे हैं, जो चीज नहीं आ रही है खड़े होकर पूछे, जो चीज सीख रहे हैं उस पर हाँ या ना का जवाब दें। तो इस प्रकार के सहभागी रखें और उनके साथ अधिक से अधिक अंतर्क्रिया करें, मतलब उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें। बीच बीच में आप प्रश्न पूछ सकते हो, उसके उत्तर के लिए बच्चों को एज अ मोटिवेट कर सकते हो, तो इस प्रकार की अंतर्क्रिया को क्या कहा जाता है, छात्रों की सहभागिता या अंतर्क्रिया कौशल कहा जाता है। इसको विकसित करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था आपका N.A. Flinders। N.A. Flinders ने क्या करा था, छात्रों अध्यापकों के बीच में जो अंतर्क्रिया विकसित करने के लिए उन्होंने एक क्या बनाई थी, अंतर्क्रिया सरणी बनाई का विकास करा था। अगर आपसे पूछा जाए कि छात्रों अध्यापक के बीच में अंतर्क्रिया का एक सरणी, यानी कि जो आपका एक पूरा का पूरा रिपोर्ट होती है, वो किसके द्वारा या किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाई गई थी, तो N.A. Flinders के द्वारा बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्क्रिया विश्लेषण सारणी में होता क्या है, तो छात्रों अध्यापक में जो द्वारा शिक्षण अभ्यास में समय में द्वारा में एक दूसरे के द्वारा अंतर्क्रिया का पूरा विवरण इसमें लिखा गया था N.A. Flinders के द्वारा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका 10th, पुनर्वर्तित कौशल। यहाँ पर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर साफ होता है जो चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चैप्टर नंबर 9th पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर 8 को भी इसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है, जो आप पहले पढ़ा चुके हो नए पार्ट के साथ एज ए कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए कि बच्चा पहले वाली जो चीज पढ़ाई जा चुकी है उसको भूले नहीं। ओके, तो इसमें देखो क्या बोल रखा है, अध्यापक जो पाठ पहले पढ़ा दिया जा चुका है उनकी
विषय वस्तु को भी नए पाठों से पढ़ाते समय नए पाठ की विषय वस्तु में समन्वित करना करते रहना चाहिए, ताकि बालक पहले जो पहले पढ़ सके किताबों को ना भूल जाए। मतलब जो चीज़ों आप पहले पढ़ा चुके हो उसको नई चीज़ों के साथ ऐसे कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सकें, नई चीज़ को सीखने में पुरानी चीज़ों को ना भूल जाए। उसे वो क्या कहा जाता है, बीच बीच में आप उसे रिवाइज करवाते रहना चाहिए, पुनर्वर्तित कौशल करवाता रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 11th, प्रश्न की प्रभावशीलता का कौशल। अब देखो प्रश्न की प्रभावशीलता कौशल, यहाँ पर देखो तीन चीज़ जुड़ी होती है, मैंने आपको तीनों चीज़ नीचे जोड़ रखी है। होता क्या है, अध्यापक को प्रश्न को का क्रम सरल से जटिल की ओर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अध्यापक को किस प्रकार से प्रश्नों का क्रम रखना चाहिए, तो कैसा रखना चाहिए, सरल से जटिल की ओर रखना चाहिए। अगला प्रश्न पहले प्रश्न सही, यानी कि अगला प्रश्न जो आप पूछने वाले हो उसको पहले प्रश्न से क्या होना चाहिए, जुड़ते हुए चलना चाहिए। मतलब एक चीज को बता दिया तो दूसरे चीज से उसे जोड़ते हुए आपको चलना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन बोला बताया आपने तो फर्स्ट क्वेश्चन से उसको कनेक्ट करो, थर्ड क्वेश्चन बोला तो फर्स्ट और सेकंड से उसको कनेक्ट करो। क्यों? क्योंकि ऐसे क्या होगा, पुरानी चीज़ भी बच्चे को रिवाइज हो जाएगी और नई चीज़ भी बच्चा सीख पाएगा। इसमें तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप किस प्रकार के प्रश्नों का इस्तेमाल कर सकते हो, तो तीन प्रश्नों का इस्तेमाल कर सकते हो आप। कौन कौन से, पहला खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल, दूसरा उच्च स्तरीय प्रश्नों का कौशल, और तीसरा सृजनात्मक प्रश्न या आपसारी प्रश्नों का कौशल। तीनों क्या है, तीनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि कई बार आपका ये पूछा जा चुका है कि प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो खोजपूर्ण प्रश्न देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आपने उसे खड़ा करा, खड़ा करके उसे आपसे एक प्रश्न पूछा, लेकिन वो बच्चा क्या कर पा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा। ओके, क्या करा आपने कि आपने अपनी क्लास में एक बच्चे को खड़ा करा और उसको एक प्रश्न पूछा कि प्रश्न का उसका उत्तर देने के लिए उसे बोला, तो उस बच्चा क्या कर रहा, कभी इधर देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी दाएं देख रहा है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है वो। ओके, फिर आपने क्या करा कि उसी बच्चे को वही प्रश्न किसी और ढंग से करके पूछा। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रश्न करके लेके चलते हैं कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी क्या है। ओके, तो यहां पर आपने क्या करा, इधर देखा उधर देखा, आपको पता नहीं है राजधानी क्या है। तो आपने अगर ये कहा कि उस क्वेश्चन से आपने क्या बोला कि भारत की राजधानी क्या है, अब आपसे मैं ये पूछूं अगर आप दिल्ली में रहते हो कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने क्या कहा, दिल्ली। तो आपने उसे क्या बोला कि भारत की राजधानी भी क्या हुई, तो उसने क्या बोला, दिल्ली। तो क्या करा, एक प्रश्न को आपने तोड़ मड़ोड़ कर किसी और तरीके से पूछ लिया। जब उस बच्चे को तोड़ मड़ोड़ के द्वारा, जैसे कि आपने एक प्रश्न पूछा उसी को तोड़ मड़ोड़ के दोबारा पूछा गया, तो उसका उत्तर बच्चे के द्वारा दे दिया गया, तो क्या हो गया, वो खोजपूर्ण प्रश्न हो गया। मतलब किसी बच्चे से आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको ना आने पर आपको बिठाना नहीं है, उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से किसी और वे से पूछना है, ताकि बच्चे उस चीज़ का उत्तर दे सके। क्यों ऐसा करा जाता है, क्योंकि बच्चा क्या कर सकता है, इस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाओगे तो अगली बार बच्चे को ये चीज़ ध्यान रहेगी। ओके, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, अगर कोई बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर ना दे रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए, बिठा देना चाहिए। तो एक ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, तो वहां पर आप कई बच्चे टिक भी कर देते हैं, नहीं, बच्चों को ऐसा प्रश्न उसको दोबारा तरीके से, यानी कि खोजपूर्ण प्रश्न तरीके से पूछना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उच्च स्तरीय प्रश्न का कौशल। अब देखो उच्च स्तरीय प्रश्नों का कौशल क्या होता है, तो इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी आपका किसी भी पाठ में दिए गए नियम, सिद्धांत, सूत्र या मुख्य संकल्पना से संबंधित आपको जो प्रश्न होते हैं वो उच्च स्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। मतलब आपके जो भी पाठ में दिए गए प्रश्न होते हैं वो आपने किसी न किसी नियम या किसी न किसी सिद्धांत या किसी न किसी सूत्र या किसी न किसी मूल संकल्पनाओं पर जुड़े रहते हैं, तो उस प्रकार के प्रश्नों को क्या कहा जाता है, उच्च स्तरीय प्रश्न का कौशल कहा जाता है आपको। ओके, थर्ड है आपका सृजनात्मक प्रश्नों का या आपसारी प्रश्नों का कौशल। दोनों में ध्यान रखिएगा, या तो आपसे आपसारी पूछ लेगा या आपसे सृजनात्मक पूछ लेगा। जब मैं आपको चिंतन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया भी था, अगर नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, आने वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा दूंगा। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक होता है आपका अभिसारी और दूसरा होता है आपसारी। इसमें मैं बात कर लेता हूँ आपसारी प्रश्न के बारे में, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, खुले अंत वाले प्रश्न, या फिर ओपन एंडेड प्रश्न भी कहा जाता है, क्वेश्चन भी कहा जाता है इसको। ओके, इसमें होते क्या है, तो देखो इसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसका उत्तर एक ना होकर काफी उत्तर होते हैं। जैसे कि मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला भारत की राजधानी क्या है, दूसरा
भारत की दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो देखो दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत की राजधानी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगर दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चन कैसे हो गए, एक क्वेश्चन हो गया आपका अभिसारी, मतलब जिसका उत्तर एक ही हो, फिक्स हो, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम विनोद, सुनोद कुछ भी हो सकता है, राजीव शुक्ला कुछ भी हो सकता है, आपका नाम तो एक ही होगा ना, उसके अलावा नाम चेंज कर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसी को चेंज करके कि आपका अगर नाम ये होता तो आपके साथ क्या क्या होता या फिर क्या क्या हो सकता था, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका नाम चेंज कर दिया गया। उसी के अनुसार मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, तो वो कैसा प्रश्न हो गया आपका, जिसका उत्तर एक होता है उसे कहते हैं अभिसारी प्रश्न, यानी कि क्लोज एंडेड प्रश्न। अगर आपसे मैंने ये पूछा कि दिल्ली की राजधानी यानी कि दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए पेट्रोल बंद हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो वो क्या कैसा प्रश्न हो गया, वो आपका ओपन एंडेड यानी कि अभिसारी प्रश्न हो गया। कई बच्चे कहेंगे कि गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी, कई बच्चे कहेंगे कि आपका यातायात ठप हो जाएगा, कई बच्चे कहेंगे कि आने जाने में कई प्रॉब्लम होंगी। तो क्या हो गया, उस प्रश्न के जब भी आपका एक प्रश्न का एक से ज्यादा उत्तर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी प्रश्न कहा जाता है। ओके, तो प्रश्नों की प्रभावशीलता कैसे होनी चाहिए, इन तीनों के अनुसार होनी चाहिए। तो इसी को ही आपको कई जैसे कि आपका एलन था, इसको इसी को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, एक उसने अभिसारी को कर दिया था, एक उसने अभिसारी कर दिया था, तो ये टोटल 12 हो गए और वो दो मिलाकर 14 हो गए, तो इसी को उसने 14 बता दिए थे। ओके, नेक्स्ट है आपका संपन्न कौशल। अब यहां पर देखने से पता चल जाता है, जैसे कि चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, क्या है, लास्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थिंकिंग, चिंतन। तो यहां पर क्या हो रहा, संपन्न यानी कि चैप्टर आप समाप्त कर रहे हो, तो समाप्त करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो जोन से आपकी पाठ के मुख्य बिंदु होती है ना उसको दोबारा रिवाइज करवाना होगा, उसी को क्या कहा जाता है, संपन्न कौशल कहा जाता है। तो देखो पाठ के संपन्न से पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए, पाठ के मुख्य बिंदु को फिर से दोहराना चाहिए ताकि बच्चे को दोबारा ध्यान आ सके मेन पॉइंट को। ओके, तो ये टोटल मिलाकर आपके 14 इंपॉर्टेंट जो कि शिक्षण कौशल हो सकते थे उसके बारे में आज मैंने आपको चैप्टर खत्म करवा दिया है। ओके, तो ये थे आपके आज के पूरे 14 शिक्षण कौशल जो कि एनसीईआरटी और एलन दोनों के द्वारा बताए गए थे। ओके, तो अब ये जो वीडियो है आपको मैंने बता भी दिया, जो यूपी टेट में अभी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ से पूछा गया था, सेकंड वाले कौशल जो प्रस्तावना कौशल होता है वहाँ से आपका अभी यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि टीचर ट्रेनिंग के लिए यही मेन इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर के लिए जो रोल होना चाहिए बच्चे के सामने हो, किस प्रकार का होना चाहिए वो टीचर को पता हो, उसके कार्य क्या होने चाहिए। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।